नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। दोस्तों, जो जमीन आप खरीदने का मन बना रहे हैं, क्या वहां पर रजिस्ट्री बंद कराई गई है? हो सकता है आपको यह भी कहा जा रहा हो कि अभी आप जमीन खरीद लें, जब आगे चलकर रजिस्ट्री होनी शुरू हो जाएगी आपके नाम जमीन को रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। जब तक आप पावर ऑफ अटोर्नी, एग्रीमेंट टू सेल, विल वसीयत, पोजेशन लेटर, इन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखिए और इनसे भी आप संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। अब दोस्तों, ये जो मैंने चीज अभी आपको क्लियर करी कि रजिस्ट्री अभी बंद है, बदले में आपको ये 4-5 डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं, ये चीज आज के समय में बहुत बड़ी तादाद पर हो रही है। अब लोगों को ये समझ तो है कि ऐसी स्थिति में ये काम उनका पक्के तरीके से नहीं हो रहा, मतलब वो पूरी तरीके से मालिक नहीं बन रहे, किंतु संपत्ति कम दामों में मिलने की लालच की वजह से वह उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं, साल 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की दोबारा से बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई है, जहां पर यही चीज निर्धारित की गई है कि अगर आप जर्नल पावर ऑफ अटोर्नी, विल वसीयत, इन दस्तावेजों के माध्यम से एक संपत्ति को खरीद रहे हैं तो आप उस संपत्ति का मालिकाना हक नहीं पा सकते। जी हां, दोबारा से सुने, जीपीए, विल वसीयत, पावर ऑफ अटोर्नी जिसे हम कहते हैं सरल भाषा में, या फिर एग्रीमेंट टू सेल, अगर इन डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप खुद को संपत्ति का मालिक मान रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली है। अब ऐसा क्यों है दोस्तों, ये चीज वीडियो में विस्तार से आगे मैं आपको बताने वाला हूं विद रेलिवेंट प्रोविजन एंड रेलिवेंट जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और आखिर में इसका क्या रिजल्ट आएगा और उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे आप खुद को इस स्थिति में बचा सकते हैं, ये भी चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं, अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप जिस भी माध्यम से संपत्ति खरीद रहे हैं, सेल डीड, गिफ्ट डीड, विल वसीयत, जर्नल पावर ऑफ अटोर्नी, सही माध्यम क्या होना चाहिए संपत्ति को खरीदने का, इसको सेक्शन नंबर 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिफाइन किया गया है। सबसे पहले मैं आपको यह प्रोविजन बता दूं, उसके बाद साल 2011 में पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस चीज से रिलेटेड एक जजमेंट दे चुका है, वो आपको क्लियर करूंगा। इसके बाद जो साल 2023 की महत्वपूर्ण जजमेंट आई है वो पॉइंट आपको क्लियर किया जाएगा। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दिखाई देगा। एक बार ध्यान दीजिए, सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेल को डिफाइन करता है। अब सेल क्या होता है ये डिस्प्ले पर आपको देखकर समझना है। ध्यान दीजिएगा, सेल इज अ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि सेल ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक को ट्रांसफर करना होता है इन एक्सचेंज फॉर प्राइस पेड, जिसके बदले में प्राइस पे किया जाता है यानी कि एक अमाउंट दिया जाता है, और प्रोमिस यानी कि प्रोमिस किया जाता है वो अमाउंट देने का, और पार्ट पेड एंड पार्ट प्रोमिस यानी कि आधा अमाउंट दिया जाता है और आधा अमाउंट प्रोमिस कर लिया जाता है कि फ्यूचर में दे देंगे, इस तरीके को सेल कहा जाता है। अब इसके आगे लिखा है कि सेल कैसे करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, सच ट्रांसफर यानी कि इस तरीके के ट्रांसफर करना किसमें, इन केस ऑफ टेंजेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति को, जहां पर जो संपत्ति की वैल्यू है या तो 100 रुपए है या उससे अधिक है, तो कैसे होगी, कैन बी मेड ओनली बाय रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो केवल और केवल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के माध्यम से की जाएगी। अब यहां से आखिरी में और ध्यान दीजिएगा, आप कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल, ध्यान दीजिए यानी कि जो आप एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेल करने का और उससे खुद को मालिक समझते हैं, वो भी इसमें बताया गया है। आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शैल टेक प्लेस ऑन टर्म्स सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज, यहां से ध्यान दीजिएगा, इट डज नॉट क्रिएट एनी इंटरेस्ट चार्ज ऑन सच प्रॉपर्टी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट आप कर रहे हैं वो केवल टर्म्स और कंडीशन है जिसके बीच आप उस संपत्ति को खरीदने के लिए राजी हुए हैं, वो एग्रीमेंट टू सेल खुद से किसी भी प्रकार का अधिकार आपको संपत्ति पर नहीं देगा। सेक्शन 54 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का प्रोविजन ये चीज साफ तरीके से निर्धारित करता है। अब दोस्तों, ये प्रोविजन समझने के बाद
आपको साल 2011 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की मैं जजमेंट डिस्कस कर लूं। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, साफ तरीके से आपको ये जजमेंट दिखाकर समझाई जाएगी। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको जजमेंट अब दिखाई भी दे रही होगी। जजमेंट का नाम है सूरज लैम्प इंडस्ट्रीज एंड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसका SLP नंबर देखिए ताकि जजमेंट को आप डाउनलोड भी कर सकें, अपने केस में यूज भी कर सकें। 13917 ऑफ 2009। ये बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, साल 2011 में इसको पास किया गया था। इसमें देखिए क्या लिखा है, आफ्टर इंटरप्रिटेटिंग वेरियस प्रोविजन ऑफ लॉ कंसर्निंग प्रॉपर्टी सेल, यानी कि कानून के अंदर जितने भी प्रकार के प्रोविजन दिए गए हैं प्रॉपर्टी को बेचने से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट ने यही हेल्ड किया इनको देखने के बाद कि सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि अचल संपत्ति को अगर बेचा जा रहा है कैसे, थ्रू सेल एग्रीमेंट के माध्यम से, विल वसीयत के माध्यम से, GPA के माध्यम से, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। जी हाँ, अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से संपत्ति को खरीद बेच रहे हैं तो वो कानूनी रूप से प्रॉपर वैलिड नहीं माना जाता। उसके लिए आप एक प्रॉपर सेल डीड रजिस्टर कराएंगे, गिफ्ट डीड रजिस्टर कराएंगे, तभी आपके पक्ष में मालिकाना हक पाना जाएगा। अब ये चीज साल 2011 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी निर्धारित कर दी थी। इसके बाद क्या हुआ, कुछ समय तो कुछ राज्यों ने इस पे सख्ताई बरती, किंतु कुछ समय बाद आज भी प्रेजेंट सिनेरियो साल 2023 में भी लोग इन्हीं डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से संपत्ति को खरीद रहे हैं। अब इस चीज में नुकसान क्या होता है, जो आपको संपत्ति बेच रहा है GPA से रिलेटेड, पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर, एग्रीमेंट टू सेल बनाकर, विल वसीयत बनाकर, वही उठकर आपके खिलाफ आगे चलकर या उनके बच्चे आगे आपके खिलाफ केस डालते हैं कि हमारी संपत्ति हमें वापस दो, और जो प्रॉपर्टी हमने इनको बेची है कोई प्रॉपर माध्यम नहीं है, धोखे से हमारे साइन करवाए गए हैं। अब इस चीज को मैं आपको क्लियर कर दूं, साल 2023 में एक सेम जजमेंट आपके सामने लेकर आया हूं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पास की है। सबसे पहले केस डिटेल आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद केस के फैक्ट्स आपको क्लियर किए जाएंगे, इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दी वो पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा दोस्तों। अब डिस्प्ले पर देखिए दोस्तों, केस टाइटल आपको साफ साफ दिखाई देगा। केस टाइटल है घनश्याम वर्सेस योगेंद्र राठी, 2 जून 2023 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को पास किया है। सिविल अपील नंबर है इसका 7527-7528/2012। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको केस के फैक्ट्स क्लियर कर दूं, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या जजमेंट पास की ये पॉइंट आपको क्लियर किए जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के फैक्ट्स ये हैं कि घनश्याम नाम का एक व्यक्ति है जो दिल्ली में स्थित एक प्रॉपर्टी का मालिक है। साल 2002 में उसने क्या किया, जो प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट है उसके फेवर में अपनी प्रॉपर्टी बेच दी। और प्रॉपर्टी कैसे बेची गई, एग्रीमेंट टू सेल, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, विल वसीयत, जो पेमेंट उसने ली उसके बदले में रिसिप्ट दी गई और पोजेशन दिया गया। पोजेशन मतलब उसी दिन संपत्ति का कब्जा दे दिया गया। कब हुआ ये, 10 अप्रैल साल 2002 को। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो संपत्ति का मालिक है घनश्याम, उसने संपत्ति का कब्जा तो दे दिया, पर उसने जिसको संपत्ति बेची उसको कहा कि 3 महीने के लिए आप मुझे प्रॉपर्टी पर किराए पर रहने के लिए दें, क्योंकि मेरे पास अभी कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं है और 3 महीने में मैं उस प्रॉपर्टी को खरीदकर वहां पर शिफ्ट हो जाऊंगा। अब ऐसी रिक्वेस्ट करने के बाद उसको 3 महीने प्रॉपर्टी पर रहने के लिए अलाउड कर दिया गया। ध्यान दे, घनश्याम ऑलरेडी प्रॉपर्टी बेच चुका है, बेचने के बाद 3 महीने का समय मांग रहा है कि इस प्रॉपर्टी पर रेंट पर रहने दो। अब 3 महीने बीत जाने के बाद भी उस मिस्टर घनश्याम ने प्रॉपर्टी को खाली नहीं किया। अब प्रेजेंट केस में डिफेंडेंट ने क्या किया, उसको कहा कि भाई प्रॉपर्टी मेरी खाली करो, मेरा यहां पर सारे डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, आपने 3 महीने का टाइम मांगा था और अब भी आप मेरी प्रॉपर्टी खाली नहीं कर रहे। नाउ दोस्तों, इसके बावजूद भी प्रॉपर्टी जब नहीं खाली की गई तो यहां पर जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा था उसने कोर्ट में एक इविक्शन सूट दाखिल किया, साथ ही साथ मैसने प्रॉफिट की मांग की। मैसने प्रॉफिट मतलब कि जो इन 3 महीनों में उनका नुकसान हुआ है, किराया क्या आया और किसी चीजों का, वो उसमें रिकवर होता है। नाउ दोस्तों, प्रेजेंट केस में अब डिफेंडेंट की बारी आई, जिसने अपनी प्रॉपर्टी बेची जो 3 महीने से रह रहा था किराएदार की तरह, उसका कहना है कि भाई इन्होंने ब्लैंक पेपर पर मुझसे झूठे साइन करा लिए, उस पर मेरे अंगूठे लगवा लिए, मैंने तो कोई भी ऐसा वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया जिससे संपत्ति को बेचा जा सके, और ऐसी स्थिति में जो मैंने ये एग्रीमेंट टू सेल, विल वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी ये डॉक्यूमेंट बनाए हैं, इससे मालिकाना हक तय नहीं होता। हाँ, जो पेमेंट रिसिप्ट थी उसके बारे में उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। अब दोस्तों यहां पर क्या हुआ, ट्रायल कोर्ट ने यही पाया कि अगर हम एग्रीमेंट टू सेल को देखकर, तो उस सिचुएशन में जिसने संपत्ति खरीदी है वो यहां पर पार्ट परफॉर्मेंस का केस कर सकता है और उसके तहत मालिक बन सकता है। तो ट्रायल कोर्ट ने कुछ यही फैक्टर्स को देखते हुए यहां पर जिसने वो संपत्ति बेची थी यानी कि घनश्याम को प्रॉपर्टी से बाहर करने का आदेश, डिग्री पास कर दी। नाउ इस चीज को बाद में अपील के माध्यम से ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ले जाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला सटीक ठहराया कि यहां पर जो मिस्टर घनश्याम है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बेची है
उनको ये प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी, यानी कि डिक्री संपत्ति के नए मालिक के पक्ष में कर दी गई है। अब दोस्तों मिस्टर घनश्याम अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं एज अ अपीलियंट, यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील दाखिल करते हैं। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आपको ऑब्जर्वेशन समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से वीडियो का मेन क्रिस्प पॉइंट आया है, अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लैरिफिकेशन दी। सबसे पहले हम बात करते हैं जीपीए के बारे में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी प्रकार का संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं दिलवाती। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एक प्रकार का अथॉरिटी का लेटर है, जिसका मतलब यह है कि जिसको जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दी गई है वो जो संपत्ति का मालिक है उसके बिहाफ से कोई भी एक्शन ले सकता है, जैसे कि संपत्ति को किसी को बेच सकता है, गिफ्ट कर सकता है, विल वसीयत कर सकता है, जो जो अथॉरिटी उस जीपीए में दी गई है केवल वही अथॉरिटी। अब अगर किसी के पक्ष में जीपीए बनाई जा रही है तो इसका मतलब उनको अथॉरिटी दी जा रही है, ना कि उस जीपीए से मालिकाना हक दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जीपीए से कोई भी मालिकाना हक नहीं मिलता है। और अगर जीपीए के मिलने के बाद किसी के पक्ष में सेल डीड नहीं की जा रही उस जीपीए का यूज करते हुए, तो वह जीपीए किसी भी काम की नहीं मानी जाएगी। जीपीए तभी तक वैलिड है जब तक उसको देने वाला या जिसको जीपीए मिली है होल्डर है वो दोनों जीवित हैं। इसी बीच किसी एक का भी देहांत हो गया तो जीपीए की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब जीपीए की क्लैरिफिकेशन के बाद बात आती है विल वसीयत। देखिए विल वसीयत एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो केवल तभी वैल्यू में आता है जब उसके बनाने वाले का देहांत हो चुका हो। अगर विल वसीयत देने वाला इंसान जीवित है तो उस विल वसीयत की कोई भी कानून में मान्यता नहीं है। अगर उस विल वसीयत के जीते जी दूसरी विल वसीयत बना दी तो कानून में दूसरी विल वसीयत की मान्यता आएगी। तो इन सभी चीजों को देखते हुए जब तक एक व्यक्ति जिंदा है विल वसीयत से कोई भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा। अब तीसरा डॉक्यूमेंट आता है एग्रीमेंट टू सेल। देखिए एग्रीमेंट टू सेल मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें टर्म्स कंडीशन लिखी गई है कि किन किन माध्यम से प्रॉपर्टी की खरीद और बेच हो रही है। अब अगर एग्रीमेंट टू सेल के मिलने से आप खुद को मालिकाना हक मान रहे हैं वो नहीं होगा। हाँ दोस्तों अगर एग्रीमेंट टू सेल आपके पक्ष में है, आपको संपत्ति का कब्जा मिल चुका है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आप उस संपत्ति पर अपना कब्जा बरकरार रख सकते हैं अगर वो आपका एग्रीमेंट टू सेल वैलिड है। ऐसी कंडीशन में जो आपका पोजेशन का अधिकार है यानी कि कब्जा रखने का अधिकार है वो एग्रीमेंट टू सेल से बचाया जा सकता है। हाँ फिर भी अगर आप खुद को प्रॉपर मालिक बनाना चाहते हैं तो प्रॉपर एक रियलिटी डॉक्यूमेंट आपके पास होना अनिवार्य है। ये सारी चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर क्लैरिफाई की। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साल 2011 की जजमेंट सूरज लैंप इंडस्ट्रीज वर्सेस प्राइवेट लिमिटेड एंड स्टेट ऑफ हरियाणा, जो मैंने स्टार्टिंग में भी डिस्कस की थी, उसका रेफरेंस भी यहां पर दिया और यही चीज क्लियर की कि ऐसी कोई भी कंडीशन में जीपीए, एग्रीमेंट टू सेल, विल वसीयत किसी को मालिकाना हक नहीं दिलवा सकती। ऐसी कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, अगर आपको प्रॉपर तरीके से मालिक बनना भी है तो आपको इन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हुए बाकी डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने होंगे, तब आपको मालिकाना हक वहां पर मिलेगा। अब वो कैसे हो सकता है, एग्रीमेंट टू सेल का यूज करके कैसे मालिक बन सकते हैं, विल वसीयत का यूज करके कैसे मालिक बन सकते हैं, अटॉर्नी का यूज करके कौन सा डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करें जो आप मालिक बन जाए, ये चीज मैं अपनी कल की वीडियो में आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि आज की ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो गई है। तो आप इतना समझे कि अगर इन डॉक्यूमेंट्स को केवल अपने पास आप रखकर बैठे हैं तो आप संपत्ति के मालिक नहीं माने जाएंगे। रिलेटेड जजमेंट, प्रोविजन, साल 2011 की एक और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सारी की सारी मैंने आपको क्लियर करके दे दी है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।